मुबारक हो बेटा। आज कोर्ट ने मीठी को फांसी की सजा सुना दी। कलेजे को ठंडक मिली। वो तो है बेटा, पर बेटा आज गड़बड़ हो जाती। पकड़े जाते तुम? आकाश ने तुम्हें कोर्ट में देख लिया था और वो तो आके जज साहब को बता रहा था कि अंबिका जिंदा है। जो सुनेगा सोचेगा आकाश पागल हो गया। सबूत कहाँ है उसके पास? वो तो है बेटा, लेकिन अगले 2-3 दिन तुम सतर्क रहना। जब तक मीठे को फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक तुम किसी को दिखाई मत देना बेटा। उत्तेजना में कोई गलती मत करना बेटा, फिर भी सतर्क रहना और किसी किस्म का सबूत अपने पीछे मत छोड़ना। अगर अंबिका जिंदा है फिर वो लाश किसकी थी? आपने कहा आकाश को सब पता था, वो जानता था अंबिका जिंदा है, उसके बावजूद भी उसने ये बात छुपाए रखी। वो कोर्ट में ये बात कहता तो अदालत अपना फैसला बदल सकती थी, क्यों नहीं कही? अगर हमारे पास सबूत होता तो शायद हम मीठी को बचा पाते। अफसोस इस बात का है कि हम मीठी को नहीं बचा सके। जिंदा रहना जैसे सजा हो गया हमारे लिए। क्या जवाब देंगे हम धामी को? कैसे बता सकेंगे उसे मीठी को क्या सजा मिली? कैसे बता सकेंगे हम? साहब, आप आ गए? मैंने आपसे कहा था कि मैं आना चाहती हूँ, फिर भी आप कोर्ट अकेले चले गए। क्या हुआ कोर्ट में? मीठी रिहा हो गई ना? साहब, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप बोलिए ना, मीठी को जमानत तो मिल गई है ना? मिल जाएगी। दामिनी, आज केस का पहला दिन था ना, अब ये कार्रवाई कुछ दिन चलेगा, तुम चिंता मत करो दामिनी। कुछ दिन चलेगी? हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, है ना? व्यर्थ नहीं जाएगी मतलब? आप पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हैं? हाँ, आप साफ साफ बताइए ना, अदालत ने क्या फैसला दिया है, मैं जानना चाहती हूँ। दामिनी, हमने कहा ना, मेरी की सुनवाई का पहला दिन था आज, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यदि साथ दे या ना दे, मेरी बात आएगी, रिहा हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल। आप पर सब कोर्ट ने क्या, अदालत ने क्या हो जाएगी? देखिए, तुम एक काम करो, तुम दामिनी को अंदर ले जाओ, तुम कुछ देर आराम करो दामिनी, हाँ, हम बताएंगे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुरैन, सब ठीक हो जाएगा ना? तुम आराम करो। तुम समझते पा रहे दामिनी को कैसे कह के मीठी को सजाए? क्या कह रहे हैं? और ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अपील करने का कोई फायदा नहीं? मतलब आपके हिसाब से एक बेगुनाह इंसान जिसने कोई जुर्म नहीं किया उसे फांसी चढ़ने दे? अंबिका जिंदा है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए आप। हाँ वकील साहब, अंबिका जिंदा है और अंबिका ने ही आकाश को फोर्स किया है डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए। मिला था मैं उससे और उसने मुझे कहा था कि डिवोर्स पेपर मिलने के बाद वो कोर्ट आएगी और ये बात साबित कर देगी कि वो जिंदा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हेलुसिनेशंस हो रहे हो? ऐसा होता है जी, हाँ ऐसा होता है कि जब कोई चीज हमारे सामने नहीं होती है फिर भी वो हमें नजर आने लगती है। आप समझ रहे हैं ना भ्रम?
कहीं आपको भ्रम तो नहीं? मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। दो लोगों को एक साथ भ्रम कैसे हो सकता है? हम दोनों ने अंबिका को देखा है। ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपको कोई भ्रम नहीं हुआ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब आपको पता था कि अंबिका जिंदा है तो फिर आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करवा दिया? कैसे करवाया? हर जगह तो अंबिका के आदमी घूम रहे हैं। पुलिस स्टेशन जाओ तो उसके आदमी घूम रहे हैं, क्योंकि एसीपी की बेटी। जब अंबिका से मिला था ना, तो उसके आसपास गुंडों ने मेरे सर पे बंदूक ताने खड़े थे। देखिए, मैं मरने से नहीं डरता, मैं बस ये चाहता था कि अंबिका को डिवोर्स पेपर्स मिल जाए और वो कोर्ट आके ये साबित कर दे कि वो जिंदा है। आकाश जी, अरे कौन विश्वास करेगा आपकी बात पे? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जब आपको मालूम था कि अंबिका जिंदा है और कोर्ट में मौजूद है, तो आपने उसको कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में उसको वहीं क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया? सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती, हम केस जीत सकते थे, मीठी जी को हम बेगुनाह साबित वहीं कर देते, अंबिका को गिरफ्तार करवा देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्यों आकाशी, क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसकी बातों में कैसे आ गए। विष्णु, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे लिए बस ये जरूरी था कि मीठी रिया हो जाए, इसीलिए अंबिका ने जो कहा उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो गया मैं। बस वकील साहब, अब कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, जिससे हम ये साबित कर सके कि मीठी बेकसूर है और अंबिका जिंदा है। वकील साहब, कोई ना कोई रास्ता ढूंढिए प्लीज। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम राष्ट्रपति जी से दया की अपील कर सकते हैं, हालांकि हमारे पास मीठी के निर्दोष होने का कोई सबूत नहीं। वकील साहब, वक्त, थोड़ा सा ज्यादा वक्त तो मिल सकता है ना? जी नहीं, अब ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अरे देखें क्या सब है, क्या सामने से गाड़ी आ रही है? अब ठीक तो है? सात दिन हो गए, पता नहीं कैसी होगी सारी का। सब कुछ ठीक है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। एक हफ्ते से मेरी भी गायब है, रोज पुलिस स्टेशन जाता हूँ, पर कोई मदद नहीं करता। अरे ये बेचारा यहाँ पोस्टर लगा रहा है कि बीबी वहाँ ऐश कर रही होगी। ऐश कैसी घटिया बात कर रहे हैं आप, ये बेचारा अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा और आप ऐसी बात करें? मेरी तरफ से। हे भगवान, इसका मतलब ना ही वो घड़ी अंबिका की थी और ना ही वो लाश। वो घड़ी का? घड़ी? वो गोल्डन घड़ी जो आपने हमें कल दिखाई थी और जिसे हमने नोट भी किया था। देखिए, अगर गोल्डन कलर की कोई घड़ी होती तो यहाँ पे आपको दिखाई देती, और वैसे भी ये क्रिमिनल केस है, हम पुलिस वालों को सबूत छुपाने की आदत नहीं होती। तभी पुलिस वालों ने उस घड़ी को गायब कर दिया और कोई इसे बता नहीं रहा कि इसकी पत्नी का है, मतलब चौबे के साथ सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं। लेकिन इसे क्या कहूं मैं, कैसे बताऊं कि सच क्या है?